हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और कुछ ना कुछ मिठाई की घर में ज़रूरत होती है, तो चलिए बहुत जल्दी से और बहुत अच्छी और कम समय में कम सामान के साथ तैयार होने वाली ये नारियल की बर्फी हम बनाते हैं। नारियल की बर्फी बहुत कम समय सामान के साथ और बहुत जल्दी घर में बड़ी ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। ये देखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। घर में कोई मेहमान आ जाए या जब तुरंत ज़रूरत हो तो हम फटाफट से 10 मिनट के अंदर इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं। नारियल की बर्फी बनाने के लिए यहाँ 2 चम्मच घी को पैन में गरम कर ले रही हूँ और 2 कप नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड नारियल भी कहते हैं, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इनको अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ चाहें तो हरे नारियल को, ये ताज़ा नारियल होता है, उसे भी कद्दूकस करके लिया जा सकता है। उसे थोड़ा और ज़्यादा देर तक भून करके उसका मॉइस्चर निकालना पड़ेगा, फिर उसमें हम दूध डाल सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा भून करके मैंने यहाँ 1 कप दूध मिला लिया है और 1/2 कप यहाँ पे कंडेंस मिल्क को डाल लिया है। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क के जगह पे 2 कप दूध डालिएगा, कंडेंस मिल्क न डालें तो भी चलेगा। मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया है, लेकिन ये बिना कंडेंस मिल्क का भी उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही अच्छा बनाया जा सकता है। तो बिना कंडेंस मिल्क के लिए यहाँ पे 2 कप दूध डालना ज़रूरी है। 2 चम्मच घी और 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 2 कप दूध डाल करके, और चीनी आप अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ हमने 1/4 कप चीनी का यूज़ किया है। अब ये बिल्कुल मार्केट की तरह दिखे, मार्केट में थोड़ा येलोइस कलर का मिलता है ना, उस तरह से दिखे, इसलिए थोड़े से दूध में, 1 चम्मच दूध में 1 ड्रॉप के करीब मैं यहाँ कलर डाल दे रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए नहीं बनाते हैं तो यहाँ आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ कलर का यूज किया है, और 1 चम्मच इलायची के पाउडर को। यहाँ आप यदि चाहें तो बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसे एकदम प्लेन बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ किसी ड्राई फ्रूट का यूज नहीं कर रही हूँ। इन सभी को अच्छे से चलाते हुए दूध को सूख जाने तक हमें अच्छे से चलाना है। देखिए, अब ये दूध सूख गया है। अब इसे थोड़ी देर और चलाने के बाद इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए और जो घी हमने डाला है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए, दिखने लगे हमें, तब हम गैस को बंद करेंगे। यहाँ पे कलर मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और कलर 1 बूंद डाल दे रही हूँ इसमें, ताकि थोड़ा सा पीला हो जाए और हमें एकदम मार्केट की तरह ये नज़र आए। यहाँ मैंने 1 बूंद कलर का और यूज किया है। अब इसमें ग्लेस लाने के लिए, ऊपर से इसकी चमक लाने के लिए यहाँ 1 चम्मच घी का और मैंने यूज किया है। 1 चम्मच घी लास्ट में डाल देने से मिठाई पे जो है वो चमक आ जाती है। इस तरह से मिठाई पे एकदम बढ़िया चमक आ चुकी है। अब इन्हें हम एक प्लेट में, आपके पास ट्रे है तो ट्रे में, थाली में या घर की किसी भी प्लेट में आप इसे जमा सकते हैं। देखिए, ये एकदम अच्छा सूख चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इस प्लेट में मैं इसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और अपने इच्छा अनुसार आप इसे सेट कर लीजिए। मैं इसे देखिए इस तरह से दबा के एक चौकोर शीट की तरह तैयार कर दे रही हूँ, और मोटाई भी आप यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार ही रख सकते हैं, पतला या मोटा आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कर सकते हैं। मैंने इसे एक स्क्वायर शेप दे दिया है। अब इसके पीसेस काट लेंगे। अगर आपके पास समय है तो इसे फ्रीज में रख दीजिए करीब 10-15 मिनट, इसके बाद इसके आप पीसेस काट लीजिए।
और नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से काट करके बाजू बाजू से थोड़ा दबा दीजिएगा, फिर भी ये सेट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो हमने इसे स्क्वायर शेप में काट लिया है। यहाँ एक बादाम के दो टुकड़े करके मैं इस पे लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं, इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या ऊपर से सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए काटने और बादाम लगाने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है, और इतनी ही देर में ये सेट भी हो चुका है। अब हम इनके सारे पीसेस को अलग कर लेते हैं। लग रहा है ना एकदम बढ़िया। इन्हें थोड़ा और अच्छा और मार्केट की तरह दिखने के लिए, मार्केट की तरह ये दिखे, तो हम एक काम और करते हैं। इसे हम पेपर कप में रख देते हैं। देखिए पेपर कप में रखने से ये कितना अच्छा और सुंदर दिख रहा है। और पेपर कप मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम पे और इजीली मिल जाता है। तो हम इन सभी को पेपर कप में सेट कर लेते हैं। नारियल की मिठाई बन करके तैयार है, बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही कम समय में ये घर पर बन करके इतनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। और इस तरह से हम किसी बॉक्स वगैरह में रख दें तो लगता ही नहीं है कि ये हमने घर में बनाया है। बिल्कुल मार्केट से ले आया हुआ मिठाई घर में बन करके तैयार है। इतना सुंदर दिख रहा है, उतना ही स्वादिष्ट है। दोस्तों सामने बहुत सारे त्यौहार हैं, और इन सब त्यौहार में मिठाई घर पे बनाना हो तो कंडेंस मिल्क अगर बना हुआ हो घर पे तो बहुत जल्दी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। और घर में बनाया हुआ कंडेंस मिल्क अच्छा और ताज़ा भी होता है और मार्केट से कई गुना सस्ता भी होता है। तो अगर आप कंडेंस मिल्क बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आई बटन पे दे दूंगी। और इसे बना करके हम फ्रिज में कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और लाइक और शेयर तो करना ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।